आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में आने वाली नई वैकेंसी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2024 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रेलवे ने अनाउंस किया है कि हर वर्ष जो है हम अपना कैलेंडर जारी करेंगे, हर वर्ष जो है अपना वैकेंसी लेंगे रेलवे की, जिसमें आपको टेक्नीशियन और एलपी का फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, लेकिन अभी भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करना बाकी है। इसमें और बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस आ गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ओपन कर रखा है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार एनटीपीसी का फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, ग्रुप डी के लिए कब से आवेदन कर पाएंगे, इसको लेकर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं मेंशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे की तरफ से ये जो है नोटिस जारी किया गया है। डेट यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया न्यू दिल्ली 10/4/2024, यानी कि 10 अप्रैल का यहाँ पे ये डेट दिया गया। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि आखिर कौन कौन से बोर्ड में कौन कौन से पोस्ट ऑफ वैकेंसी आनी है, उसको लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए अभी कौन कौन सी वैकेंसी आनी है उसको लेकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर जो कि जो कहें स्नातक पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट है वो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लेवल 4, 5, 6 रहता है। इसके अलावा देखिए सेकेंड इन्फॉर्मेशन किया गया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3, यानी कि जो कैंड 12वीं पास कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट है, जो अभी ग्रेजुएट नहीं पास है, सिर्फ इंटर पास है या फिर 10+2 पास है, वो बिल्कुल यहाँ पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके देखिए थर्ड नंबर मेंशन किया गया पैरामेडिकल कैटेगरी, फोर्थ नंबर मेंशन किया गया लेवल वन यानी ग्रुप डी के बारे में बात की गई है, जो लेवल वन होता है इसे हम लोग ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए राइट साइड मेंशन किया गया नोडल आरआरबी का मतलब है कि कौन से आरआरबी के द्वारा वैकेंसी को मैनेज किया जाएगा, लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेवल वन यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आरआरबी भोपाल के द्वारा लिया जाएगा, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है आपको अहमदाबाद के द्वारा लिया जाएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर क्या इसका आवेदन लिया जाएगा कब से, हम कब से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए उन सारे वैकेंसियों के बारे में जिक्र किया गया जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, डेट दिए गए हैं कि आखिर ये वैकेंसी कब अप्रूव होगी, कब वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसी है मई और जून में अप्रूव कर दी गई जाएगी, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है मई-जून 2024। इसका जो नोटिस है ये आपको जून 2024 में जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर देखिए मेंशन किया जून 2024, और जो आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है ये आपको सितंबर 2024 में आएगा, ठीक है। यानी कि सारे वैकेंसियों का डेट दे दिए गए हैं। अब आपको अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि आखिर जो वैकेंसी है सच में आएगी या फिर नहीं आएगी, ये जो नोटिस है कहीं फेक तो नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो नोटिस है पूरी तरह से रियल है और ये वैकेंसी बिल्कुल आएगी, क्योंकि रेलवे ने आपको पहले ही बोला है कि हम हर वर्ष वैकेंसी लेंगे। जैसा कि टेक्नीशियन और एलपी का फॉर्म फिलअप किया गया वैसे ही आपको जून में यहाँ पे एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसके अलावा सितंबर में आपको यहाँ पे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी में बने रहिए। मन में डाउट है कि आखिरकार हमें इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको सिंपली इंटर पास होना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पे ग्रुप डी के लिए सिंपली आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। अगर आपके मन में डाउट है कि आईटीआई रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हो जाएगी कि आखिर आईटीआई रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसीलिए अभी आप तैयारी फोकस कीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोटिस था जो कि मैंने आपको बता दिया। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।